हम नंबर सीरीज के बहुत सारे टॉपिक देख चुके हैं, बहुत सारे टाइप देख चुके हैं, सॉरी, ठीक है। तो आज देखेंगे तीन टाइप, ठीक है। तो हमने पिछले क्लास में हमने क्या है, डिविजिबिलिटी रूल, भाज्यता पर नियम क्या क्या है, टू से कौन सा नंबर डिवाइड होता है, थ्री से कौन सा डिविजिबिलिटी रूल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। यदि 1 से 1 फिर स्टार दिया है 3, 3 से भाज्य होता है तो स्टार का मान ज्ञात करो। मतलब कि हम लोग ये कौन सा नंबर स्टार के जगह हमें क्या नंबर आएगा कि 3 से भाज्य हो जाएगा पूरी तरह से। तो हम लोग 3 का डिविजिबिलिटी रूल जानते हैं कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये होता है कि अगर कोई सा भी नंबर दिया है, अगर वो सारे नंबर का अगर एडिशन अगर 3 से डिवाइड होता है, मीन्स वो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो मान लो यहाँ पे है 1 है प्लस क्या है 7 है प्लस स्टार है प्लस 3 है, मीन्स अगर हम लोग स्टार को हटा दें तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस 7 मीन्स 8 प्लस 3, 11 प्लस स्टार, ठीक है। तो स्टार की जगह में अगर हम लोग 1 कर दें, 11 प्लस 1 मीन्स क्या हो जाएगा, 12। और 12 क्या है, 3 से डिवाइड होगा, 3 4 जा 12, तो वो अभीष्ट अंक क्या है, वो 1 है। अगर हम लोग इसमें स्टार की जगह में क्या आएगा, स्टार इक्वल टू हो जाएगा 1। अगर 1 ऐड की स्टार की जगह में अगर 1 रख देते हैं, ठीक है, तो ये नंबर जो है पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही देखो, अब क्वेश्चन 2 है, यदि 8 से विभाजित होने वाली संख्या में 5 2 4 स्टार हो तो स्टार की जगह पर छोटा से छोटा अंक क्या होगा, मीन्स इसमें जितना ज्यादा छोटा हो सकता है वैसा अंक हम लोग को लेना है, ठीक है। तो देखो इसमें बोला क्या है, 8 से विभाजित होना, मीन्स 8 का विभाजित क्या है, विभाज्यता रूल क्या है। तो कोई सा भी डिजिट दिया हो, 4 का क्या है, अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होता है, मीन्स पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइड हो जाए, मीन्स 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसमें 8 में ये रहता है कि अगर लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो जाता है तो क्या होगा, पूरा जो डिजिट दिया रहेगा वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है 5 2 4 और स्टार, अगर स्टार की जगह हम लोग 0 पुट करते हैं, 5 2 4 0। अब देखो ये 2 4 0 8 से डिवाइड होगा क्या, हो जाएगा, 8 3 जा 24, 0 जा 0 मीन्स 30 आया, ठीक है। तो वो कौन सा स्टार की जगह में क्या आएगा, 0 आएगा, स्टार इक्वल टू 0, यही 0 ही हम लोगों का क्या है, आंसर है। अब देखो इसमें क्या दिया है, 5 स्टार 3 4 5 7 11 से भाज्य। तो 11 से भाज्य का रूल क्या था कि हम लोग रेंडम लेते हैं सम विषम संख्याएं, और अगर दोनों का अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं, अगर 0 या फिर 11 आता है तब के केस में 11 से डिवाइड होगा। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, 5 स्टार 3 4 5 7। अब हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक सम विषम रेंडमली चूज करते थे, सम विषम सम, तो ये तीनों को जोड़ो, ये तीनों को जोड़ो, तो 5 प्लस 3 प्लस 5 माइनस स्टार प्लस 4 प्लस 7, तो 5 5 10 3 13 माइनस स्टार 7 4 11, ठीक है। अगर स्टार की जगह हम लोग 2 रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, ठीक है। स्टार की जगह 2 रखेंगे तो 13 हो जाएगा, तो 13 माइनस 13 इक्वल टू 0 हो जाएगा, मीन्स यहाँ पे स्टार की जगह में क्या आएगा, 5 2 3 4 5 7, ये क्या होगा, 11 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। समझ आया सबको। अब देखो यदि 2 अंकों की किस ये क्या है, टाइप 8 है, जो अंकों पर आधारित प्रश्न है, ठीक है। तो देखो यदि 2 अंकों की किसी संख्या अंकों का योग 12 है तथा अंकों को उलट कर बनाई गई संख्या मूल संख्या से 18 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो चलो इसका हल पहला निकालते हैं। तो हम लोग को क्या है, क्या संख्या है दिया नहीं है, माना
संख्याएं जो है एक्स एंड वाई है, ठीक है। अब कुछ दिया नहीं है तो एक्स और वाई तो मानना ही पड़ेगा। अब देखो इसमें बोल क्या रहे क्वेश्चन में, यदि दो अंकों की किसी संख्या के अंकों का योग 12 है, मीन्स एक्स प्लस वाई, हम लोग एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, अंकों का योग 12 बोला है तो 12 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है तथा अंकों को उलट कर, मीन्स हम लोग जैसे अंक को उलट देते हैं तो जो मूल संख्या होगी वो 18 से अधिक होगी, ठीक है। मान लो मैं यहाँ पे 10 ले लिया, 10y+x, हम लोग 10 क्या है माने हैं, ठीक है, 10 को मल्टीप्लाई कर दिए तो इधर क्या हो जाएगा, 10x+y इक्वल टू क्या होगा, ये 18 ज्यादा बोला है, ठीक। तो यहां से हम लोग पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 9y-9x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा, इधर से इधर पक्षांतर कर दिए तो, ठीक है। अब अगर यहां से y-x करें तो क्या होगा, 18 हो जाएगा, सॉरी 2 होगा, क्योंकि यहां से 9 कॉमन आ गया, 9 और इधर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको x-y करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको इक्वेशन 2 ले लो। अब इक्वेशन ये देखो यहाँ पे 10 क्यों माने हैं, 10 इसलिए माने हैं कि हमारा जो पहला का जो इक्वेशन है वो आसानी से सॉल्व हो जाए। तो x+y = 12, x-y = क्या हो जाएगा, -2। तो हम लोग सिंपली जोड़ देंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा, जोड़ने से तो कोई चेंज नहीं होता है, 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10, x इक्वल टू क्या आएगा, 5, ठीक। तो हम लोग को क्या है, संख्या बतानी है, ठीक है। x इक्वल टू क्या आया, 5 आया, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5+y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7, ठीक, समझ आया ना। तो हम लोग का जो संख्या है वो क्या है, 5 और 7 है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन 2, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग अंकों के गुणनफल से एक कम है, वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल 2 देखते हैं, तो इसमें बोला है दो संख्या, ठीक है, दो अंकों की संख्या, मीन्स माना संख्याएं जो है वो क्या है, एक्स एंड वाई है। अब देखो प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, दो अंकों की संख्या का योग अंकों के गुणनफल से एक कम है, मीन्स दो अंकों की जो संख्या है x+y क्या है, अंकों के गुणनफल से एक कम है, इक्वल टू ए अंकों के जो गुणनफल है, मीन्स देखो पहले में योगफल बोला तो x+y होगा, और गुणनफल बोलेगा तो क्या हो जाएगा, xy होगा -1, ठीक है। अब देखो आगे तो क्वेश्चन दिया ही नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो अपर्याप्त है, मीन्स हम लोग को यहाँ पे और कुछ आंकड़े चाहिए थे ताकि इसको हम लोग सॉल्व कर सके। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछ देता है, और कुछ भी क्या है ऑप्शन में नंबर दे देता है, तो यहाँ पे आंकड़े अपर्याप्त है, ये हम लोग का आंसर होगा, आंकड़े अपर्याप्त है, मीन्स क्वेश्चन और कुछ होना चाहिए था, ठीक है, आंकड़े अपर्याप्त है, ठीक। इस टाइप से भी क्वेश्चन देता है तो ए बी सी डी करके दे देगा, लास्ट में नन ऑप्शन दे देगा, तो नन हम लोग का आंसर होगा, ठीक। अब देखो इसमें बोल क्या रहा है, अब देखो टाइप 10 में आ गए हम लोग डायरेक्ट, तो संख्याओं के पारस्परिक संबंधों पर आधारित प्रश्न हम लोग को निकालना है, ठीक है। तो देखो दो संख्याओं का जो अनुपात है वो 7:5 है, उनका गुणनफल 560 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। हम लोग जब अनुपात समानुपात पढ़ेंगे तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो हल सबसे पहले जो संख्याएं दी है, हल दिया गया संख्या, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, हम लोग डायरेक्टली मान लेते हैं एक्स, तो 7x·5x, ठीक है, और इनका गुणनफल बोला है 560 है, तो हम लोग को छोटी संख्या निकालना है, इसमें दोनों में से छोटी कौन सी है, ये है, ठीक है। तो दोनों दोनों का गुणनफल निकालना है, 7x·5x बराबर क्या होगा, 560, तो 35x² = 560
एक्स का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 560/35। ठीक है, तो 5 से काटो, 5 से कटेगा ना, 5 7 35 और 5 1 5 1 5 2 ठीक है। अब 7 1 7 7 6 42, इससे भी कट जाएगा, 7 1 4 5 7 6 42, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 आया, तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या क्या है, 4, एक्स इक्वल टू क्या है, 4। ठीक है, तो अगर इसमें छोटी संख्या ये है तो 5x इक्वल टू क्या जाएगा, 20। सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 20 होगी, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 7 4 28 होगी। ठीक है, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या है। ठीक है, अब देखो, देखते हैं यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन, किसी संख्या अपने में 50% से 75 अधिक है, संख्या का 25% कितना होगा। मान लो कोई से भी संख्या दिया है, ठीक है, तो वो संख्या जो है 50%, संख्या का जो 50% होगा वो 75 अधिक होगा, फिर उसी संख्या का 25% कितना होगा, ये हम लोगों को निकालना है। तो माना संख्या क्या है, संख्या x है। ठीक, अब देखो इसमें बोला है x का 50% जो है वो 75 अधिक है। ठीक, तो अब देखो x परसेंटेज निकालना मीन्स 50/100 इक्वल टू 75, दिए से ये कर 5 1 5 2, तो x इधर से कर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो गया, 150 हो गया, 75 2 150। अब देखो इसका 25% कितना होगा, मीन्स इसका 25% क्या होगा, 150 × 25/100, 0 से 0 कैंसिल, 150 तो ये 100 है, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो 5 5 5 2, ठीक है, तो 15 5 75, 75/2 मीन्स इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 27.5 होगा, ये हम लोगों का आंसर है। इस टाइप से क्वेश्चन क्या है, पूछता है सारे कंपटीशन एग्जाम में। थैंक यू।